साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। अपने वायदे के अनुसार आज हम हाजिर हैं SSC GD प्रीवियस ईयर के आठवें पेपर के साथ, जो लिया गया था दिनांक 11 जनवरी 2023 को 5:15 से 6:15 के बीच में। आइए बात करते हैं सवालों की। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है और उसी मार्ग से 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर लौट आता है और इस पूरे कार्यक्रम में उसको 6 घंटे का समय लगता है। देखिए, एक आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया, फिर दूसरे स्थान से पहले स्थान तक लौट आया, मतलब दूरी समान है। और अगर दूरी समान है तो चाल और समय का अनुपात क्या होता है? एक दूसरे का अपोजिट। अब अगर यहां पर मैं देखूं कि अगर चाल का मामला देखा जाए तो चाल स्पीड जो है वो कितनी कितनी दी हुई है, 180 और 240, ये कैंसिल, 6 तिरिक, मतलब चाल का अनुपात 3:4 का है। तो जो टाइम का रेशियो है वो कितना हो जाएगा, 4। और अब देखिए सवाल में बोला कुल 6 घंटे, यहां कितने घंटे लगा है, 4, यहां कितने घंटे लगा है, 3। तो हमारे हिसाब से जो टोटल घंटे लगे हैं वो कितने लगे हैं, 7, लेकिन सवाल बोल रहा है कि नहीं, घंटे कितने लगे हैं, 6, मतलब 1 की वैल्यू हो जाएगी 6/7। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 6/7, मतलब इस जगह उसको लगा है 24/7। अब आप देखिए, आपसे पूछ कह रहा है दोनों स्थानों के बीच की दूरी, यहां पर चाल 180 है, टाइम कितना लगा है, 24/7 घंटे। मतलब कहने का यह हुआ कि जो दूरी बराबर है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। अब आप देखिए चाल कितनी है, चाल 180 है, समय कितना है, 24/7। ठीक है, अब आप अगर इस सवाल को हल करेंगे तो अब आपको गुणा भाग थोड़ा सा, 18 × 4 = 72, 7, 18 × 36 = 7, 43, मतलब पूरा मामला ये है। अब भाग देंगे तो 7 × 6 = 42, 6 वाला मामला दो ठो है, ये और ये इसके उत्तर हो नहीं सकते। 7 × 6 = 42, 1, 7 × 7 = 7, 5, 50, 7 × 7 = 49, 617 उत्तर है आपका तीसरा नंबर। आगे इसके लगाने की जरूरत इसलिए नहीं है, ठीक है, 7 × 7 = 49, 50 आया था, 1 बचेगा तो 7 × 7 = 3, 7 × 4 = 28, आपका उत्तर है। लेकिन मैं आपको यह सलाह दूंगा कि यहां पर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। हां, अगर 617 होता, 1.4, 0.14 है, इसके आगे भी 617 कुछ होता तो आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं। नहीं तो सवाल अगर 617 में दिख गया, 617 ऑप्शन में केवल एक ही बार है, वही आपका उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 24, 18 और 12 सेंटीमीटर है, छोटे घन बनाने के लिए इसे पिघलाया जाता है, घन की भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, निर्मित घनों की संख्या क्या होगी। जब किसी एक चीज को पिघला करके दूसरी चीज बनाई जाती है तो दोनों का आयतन क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। और अगर संख्या की बात करता है, अगर आपसे पूछी जाए कि संख्या कितनी बनेगी तो संख्या बराबर होता है बड़ी आकृति का आयतन और बटे छोटी आकृति का आयतन। ध्यान रखिएगा यहां पर आयतन ही यूज होता है। अब देखिए ऊपर क्या है, घनाभ है, घनाभ है तो घनाभ का कितना होता है, L × B × H, ये मैंने किस फॉर्मेट में लिखा है, L × B × H। घन के लिए क्या होता है, 6 है भुजा तो 6 × 6 × 6, क्योंकि इसका क्या होता है, देखिए 6 × 6 = 24, 6 × 3 = 18, 6 × 2 = 12, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, यही आपके सवाल का जवाब होगा और यह है आपका ऑप्शन नंबर 3। यह बात याद रखनी है कि कभी भी सवाल में एक बड़ी आकृति को पिघला करके छोटी आकृतियां बनाई जा रही हैं तो दोनों का आयतन समान होना चाहिए। तो संख्या जब हम निकालते हैं तो बड़ी आकृति का आयतन बटे छोटी आकृति का आयतन सवाल आपके सामने लगा हुआ है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, एक दुकानदार गलत वजन का, बेईमानी का सवाल है, गलत वजन का उपयोग करते हुए क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 25% लाभ प्राप्त करता है, 1000 ग्राम के स्थान पर कितने वजन का उपयोग उसने किया। ये भी पूछ सकता था कितने कम वजन का प्रयोग,
यहां पर ध्यान दीजिए, मैंने आप लोगों को एक सवाल इस तरह का आया भी था, विक्रय मूल्य जो होता है, विक्रय मूल्य होता है जितने में सामान दिया गया। अब सामान की जो कीमत है वो हमेशा हम कितना मान करके चलते हैं, 1000 रुपए प्रति, ये हमेशा मान करके चलते हैं। अब इसमें 10% का फायदा ले लेगा तो 1100 रुपए, 20% का फायदा ले लेगा तो 1200 रुपए। अब देखिए सवाल में 25% का लाभ, ये भी आप ध्यान रखिएगा कि विक्रय मूल्य बराबर एक चीज और भी होती है और वो होती है क्रय मूल्य धन लाभ। अब क्रय मूल्य को प्रतिशत में हमेशा कितना मानते हैं, 100%। यहां पर लाभ दिया हुआ है 25%, मतलब मामला कितने का है, 25% का। अब देखिए सवाल में बोल रहा है क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो क्रय मूल्य कितना है, 1000, मतलब सामने वाले से उसने 1000 रुपए ही लिए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो 25% का लाभ कमा रहा है। इसका मतलब यह है कि उसने वजन कम दिया। अब यहां देखिए, अब अगर विक्रय मूल्य की, अगर मैं क्रय मूल्य की बात करूं तो क्रय मूल्य यहां पे क्या होता है, क्रय मूल्य होता है जितना सामान दिया गया। अब आप देखिए सामान दिया कितने में गया है, 1000 रुपए में, मतलब विक्रय मूल्य कितना था, 1000 रुपए, मतलब सवाल में आपको दिया हुआ है 125% की वैल्यू कितनी है, 1000 रुपए। आपसे पूछा क्या है कितने ग्राम का उपयोग किया गया, मतलब आपको जो निकालना है वो निकालना है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य होता है 100%, तो 100% बराबर हो जाएगा 1000 बटे 125 गुणे 100, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 5 दुनी 10, 2 चौके 8, मतलब उसने प्रयोग किया है 800 ग्राम पाट का, ठीक है। और यह है आपका उत्तर नंबर 1, ठीक है। यहां पर 2-3 मोटी मोटी चीजें आपको याद रखनी है। बात नंबर 1, यहां पर विक्रय मूल्य वो होता है जितने में सामान दिया जाता है, क्रय मूल्य वो होता है जितना सामान दिया जाता है, मतलब भार की बात हो रही है। अब इस सवाल में दोनों ही विक्रय मूल्य दिए गए थे, सामान क्रय मूल्य पर बेचा गया मतलब 1000 रुपए में बेचा गया, फिर भी 25% का लाभ कमा लिया गया, मतलब विक्रय मूल्य तरफ 1000 रुपया है और दूसरी तरफ 125% है। सवाल में जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था वजन कितना तौल रहा है, मतलब पूछा क्या गया था आपसे क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, प्रतिशत में 100, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है लंबाई 10, चौड़ाई 6 और ऊंचाई 8 मीटर वाले किसी घनाभी कमरे में रखी जा सकने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई, ये हमेशा कितनी होती है अधिकतम लंबाई, ये होती है L² + B² + H², मतलब पूरा मामला कितने का है, 10² + 8² + 6², मतलब पूरा मामला कितने का हो जाएगा, 100, 64 और 36, मतलब ये अगर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 200, इन दो जीरो से कितना निकलेगा, 10, और ये रूट जाएगा, मतलब मामला कितने का है, रूट टू का, ठीक है। यहाँ पे ये भी हो सकता था कि रूट टू की वैल्यू दे देता 1.414, तो फिर उत्तर कितना आ जाता, 141.4 मीटर, ठीक है। लेकिन रूट में उत्तर दिया गया है, हमारे लिए थोड़ा सा इजी ही हो गया सवाल। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल, एक पिज्जा के लिए चीज और सॉस का अनुपात 1 कप है क्या मामला है, रमा ने एक निश्चित संख्या में पिज्जा बनाने के लिए 15 कप सॉस का इस्तेमाल किया, सॉस का, ठीक है, सॉस का इस्तेमाल किया, तो सामने उस पिज्जा पर कितनी चीज का, अब इसमें एक बात ध्यान रखिए, ऑप्शन कितने, 10, 20, 30 और 40, ठीक है। इसमें एक तो ये हो सकता था 3 तो 3 बचे 15, ऑप्शन में ही नहीं है, 3 है तो नहीं होता क्योंकि 15 तो 3 से ही कटेगा, 1/2, 1/3 अगर ले, 3 में 15 3 45, ये भी ऑप्शन में नहीं है, आप इसको 1/2 कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको कितना बोल रहा है, चीज और क्या है, सॉस, दो चीजों का इस्तेमाल हुआ है, सॉस है 1/2 और ये कितना है 1, तो रेशियो अगर आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2:1। सवाल वैसे बहुत इजी है, 1 कप की वैल्यू कितनी है, 15, मतलब 1 = 15 है तो 2 = कितना है, ठीक है, मतलब उत्तर हो जाएगा आपका 30। क्या ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहां पर डाटा क्लियर कट नहीं दिया गया है,
मैंने सवाल में 1/2 मान करके लगाया, हो सकता है कि इसमें कुछ भी मामला हो। मान लीजिए 1/3 होता, यहाँ 1/3 होता तो ये 3 आ जाता, तो ये 1/15 था तो 3/45 हो जाता, लेकिन ऑप्शन में नहीं। मान लीजिए यहाँ पर 3 होता, 1 होता, 1:3 है, 3/15 तो 1 कितना हो जाता, 5, तो 5 भी ऑप्शन में नहीं है। इसी को देख करके मैंने उसको 1/2 कप ले लिया है, लेकिन हो सकता है कि इसका उत्तर कुछ अलग भी हो सकता है, लेकिन यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि मामला 1/2 कप के अकॉर्डिंग इसका उत्तर कितना है, 30 है, और ये आपके आंसर से मैच कर रहा है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ए एक कार्य का 80% 20 दिनों में पूरा करता है, ठीक है, फिर भी ए के साथ शामिल हो जाता है और वह शेष कार्य को 3 दिनों में पूरा करते हैं, बी को अकेले पूरे कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। देखिए, दो तरह से इस सवाल को लगाया जा सकता है। पहले तो बात मैं कर लेता हूं 80%, 80% का मतलब होता है 4/5, 4/5। अब आप खुद सोचिए कि 4/5 काम, बात किसकी हो रही है, ए की, 4/5 काम ये कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, तो एक काम कितने दिन में करेगा, एक काम करेगा 20 × 5/4, 4×5 = 20, मतलब कितने दिन में कर लेगा ये, 25 दिन, ठीक है। फिर बी ए के साथ शामिल हो जाता है और वह शेष कार्य को 3 दिनों में पूरा कर लेते हैं। देखिए, काम 25 दिन में कर सकता था और हु किया कितने दिन उसने, 20 दिन। पहले मैं एक तरीके से बता रहा हूं, देखिए, तो ए का जो बचा हुआ काम है वो कितना है, 5, ठीक है। फिर बी ए के साथ शामिल हो गया वो शेष काम को, और ए और बी मिलकर इसको कितने दिन में कर लेते हैं, 3, ये टाइम की बात हो रही। अब अगर मैं यहां से वर्क निकालूं तो वर्क बराबर कितना आएगा, 15, तो इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 5। अब ए की एफिशिएंसी 3 है, दोनों की मिला करके 5 है, मतलब बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पर आप खुद देखिए कि यहां पर पूरा मामला कितने का था, 25 का पूरा मामला, ये कितना, ये 5 तो था नहीं, ये कितना है, 25, मतलब वर्क बराबर कितना हो जाएगा, 25 × 3 कितना हो जाएगा, 75। तो अब अगर इसके लिए पूछ रहा है तो 75/2 मतलब 37.5 दिन, ये उत्तर आ गया। ये उत्तर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर 2। एक तरीका तो ये है सवाल, ठीक है। दूसरा तरीका ये है, अब आप खुद एक चीज देखिए, दूसरे तरीके से अगर मैं देखूं, इसको मैं मिटा देता हूं, दूसरा थोड़ा सा इजी तरीका मैं बताता हूं। देखिए, 4/5 काम, सॉरी 4/5 काम, 4/5 काम तो हो चुका है, बचा हुआ काम कितना है, 1/5, ये शेष काम की बात हो रही है, शेष काम कितना है, 1/5, और 1/5 ए बी मिलकर के कितने दिनों में कर रहे हैं, 3 दिनों में, मतलब एक काम को कितने दिनों में करते हैं वो, 15 दिनों में, एक काम को ये कितने दिनों में करते हैं, 15 दिनों में करते हैं। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका, आप एक चीज खुद सोचिए, ए और बी की जो क्षमता है, बी 5 दिन का काम ए और बी मिलकर के 3 दिनों में कर रहे हैं, मतलब रेशियो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। यहां पर ये कितने दिनों में कर रहे हैं, 15 दिनों में, और ये 4/5 काम ए कर रहा था, ये कितने दिनों में कर रहा था, 20 दिनों में, तो ये एक काम कितने दिनों में करेगा, ये करेगा 20 × 5/4, 4×5 = 20, मतलब ये कितने दिनों में करेगा, 25 दिनों में। अब देखिए, ए इसको 25 दिनों में करता है, ए और बी मिलकर के इसको 15 दिनों में करते हैं, तो यहां से आपको सीधे वर्क मिल जाएगा। इन दोनों का जो एलसीएम है वो कितना होगा, 75, मतलब इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 3, इसकी 5, तो बी की एफिशिएंसी दोनों का 5 है, इसका 1 है, 5 में से 3 घटा दिया, 2 बचा, तो इसका मामला हो जाएगा 75/2 मतलब 37.5 दिन, ऑप्शन फिर भी वही आएगा, ठीक है। तो ये तरीके में क्या है कि इस तरीके में आपको जो बाद में मैंने 25 / 75 किया था, ये आपको डायरेक्ट वर्क मिल गया था, यहां पर 75 मैंने किया क्या, देखिए 4/5 काम अगर 20 दिन में हो रहा, तो एक काम कितने दिन में होगा, 25 दिनों में, ये एक ही बात हो रही है। ए और बी शेष काम को कर रहे हैं, तो 4/5 काम तो हो ही गया था, तो बचा हुआ काम कितना है, 1/5, ये कितने दिनों में हो रहा है, 1 दिनों में, मतलब एक काम कितने दिनों में हो रहा है, 15 दिनों में। ये ए बी काम को कर रहा है 15 दिनों में, ए काम को कर रहा है 25 दिनों में, मतलब टोटल वर्क 75 था, इसकी क्षमता 3, दोनों की मिलाकर के क्षमता 5, तो इसकी जब 3 है, दोनों की मिलाकर के 5 है, मतलब बी की कितनी है, 2 है, और काम टोटल कितना है, 75 है, मतलब 75/2 37.5 दिन, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, एक वस्तु पर एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 7.5% की छूट देता है, ठीक है, और 10 रुपए प्रति वस्तु का कैशबैक भी दे दिया, ठीक है, और अभी भी वह 5 रुपए लाभ कमा रहा है, मतलब अगर वो कैशबैक नहीं देता
7.5% की छूट देने के बाद उसकी जो कमाई होती है वो 15 रुपए की होती है, ये बात ध्यान में रखनी है। यदि एक्स रुपए वस्तु का अंकित मूल्य है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ध्यान दीजिए, 7.5% की छूट दे दिया, मतलब अब जो बचा वो कितना बचा? 92.5। मतलब एक्स का 92.5% इतने में वो सामान बेच रहा है, 10 का कैशबैक देकर के वो 5 रुपए का लाभ भी कमा रहा है, मतलब पूरा मामला कितने का है? -15 का। ठीक है, अब 92.5% को अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा? 9.25, और ये x है, -15 दिया हुआ है, यही आपका उत्तर। ठीक है, सवाल बहुत ही इजी था, थोड़ा सा समझना था। 7.5% की छूट का मतलब होता है कि सामान 92.5% में बेचा गया है, 10 रुपए कैशबैक भी उसने दे दिया, फिर भी 5 रुपए लाभ कमा रहा है, मतलब यहां पर कितने का मामला है? 15। अगर वो 92.5% की छूट देने के बाद भी वह 15 रुपए का लाभ कमा रहा है, 15% का नहीं, तो अब x का 92.5% मतलब 0.925 और 15 ये है ही है, तो -15 वही इस वस्तु का क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बढ़िया, ऑफ का मतलब होता है का, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो इस बात को जरूर समझ। ठीक है, सवाल में आपको ये कहा गया है, का करी के पुनि भाग कर फिर गुण ले हु सुजान, ता पीछे धन ऋण करो भिन्न रीति यह जान। मतलब सबसे पहले हम ऑफ को हल करते हैं। अब यहाँ एक बात ध्यान दीजिए, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है, मैं आपको बोल देता हूँ ऐसा, 42/5 और मैं आपको बोल देता हूं 45/5 का। आप देखिए इसका जो उत्तर होगा वो कितना होगा? 45 × 3/5, 5 × 45 = 27। लेकिन जब आप इसको हल करोगे तो चूंकि सबसे पहले क्या हल करना है? भाग के पहले भी का हल होता है, तो पहले तो ये हल होगा, मतलब यहां मामला कितना हो जाएगा? 5 × 3 मतलब 45/15, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा? ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए, का अगर भाग के चिन्ह के बाद लगा हुआ है वहां पर थोड़ा सा अपने आप को अटेंटिव कर लीजिए, वहां पर का को पहले हल करना है, भाग को बाद में हल करना है, क्योंकि नियम ही ये कहता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सवालों की, इस सवाल की। सवाल में आपको बोल रहा है 16 × 9 = 3 × 9 − 6 − 2 × 3 / 4 = 1। अब यहां देखिए सबसे पहले तो यही वाला हिस्सा हल होगा, मतलब क्या हो जाएगा ये 16 × 9 / 4 × 2, मतलब अब पूरा मामला ये कितना हो जाएगा? 16 × 9 / 8, 8 × 2 = 16, ऊपर वाले हिस्से का मान कितना है? 18। ठीक है, अब मैं नीचे वाले हिस्से की बात कर लेता हूँ। देखिए 9 − 6 पहले हल हो गया, तो 3 × 3 − 2 = 3, अभी इसको रहने देते, 2 × 3 / 4 × 1/2, अब ये पहले हल हो जाएगा, तो 2 × 4, अब ये कितना है? 9 − 6/2, 2 × 3 = 6, 9 − 3 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। अब देखिए ऊपर वाले हिस्से का मान 18, नीचे वाले हिस्से का मान 6, काट दीजिए उत्तर कितना आ जाएगा? 3, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सवाल में थोड़ा सा अटेंटिव ये मैं बोल रहा हूं कि अगर भागे के बाद कोई संख्या है और उसके बाद का लगा हुआ है, ऑफ लगा हुआ है, वहां पर आप थोड़ा सा अटेंटिव होइए, पहले उस ऑफ या का वाले हिस्से को हल कीजिए, देन आफ्टर आप भाग वाले। सवाल में कुछ है नहीं, बहुत ही बेसिक सा सवाल है सिंप्लीफिकेशन का। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 73, 115 और 185 को एक संख्या से विभाजित किया जाए जिससे समान शेष प्राप्त होता है, ऐसे सबसे बड़ी संभव संख्या ज्ञात करें। पिछले ही वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया था कि HCF निकालने का सबसे आसान तरीका होता है संख्याओं को आपस में घटा देना। ठीक है, इसी में एक सवाल और आता है, हो सकता भी अभी वो आगे मिले। सवाल ये आता है कि समान शेष बचे वह संख्या और शेष दोनों ज्ञात करें। ठीक है, अभी फिलहाल में सवाल में आपको दिया हुआ है 3 संख्याएं, 73 है, 115 है
और 185। अब हमें करना क्या है, इसका अंतर लेना है। पांच में से तीन गया दो, 11 में से सात चला गया चार, पांच में से पांच चला गया जीरो, 18 में से 11 चला गया सात। इन दोनों को अगर मैं घटाऊंगा तो उत्तर कितना आ जाएगा, 28। ठीक है, अब देखिए 28 के कितने पार्ट हो सकते हैं, 28 के पार्ट हो सकते हैं 2 × 2 × 7। ठीक है, अब मामला 2 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, 14 का हो सकता है और 28 का हो सकता है। देखिए आपके ऑप्शन में केवल 14 नहीं, ठीक है, मतलब इन्हीं में से रहेगा। 2 से भाग दोगे तो देखिए 3 है यहां, 1 बच जाएगा, यहां पे भी हो सकता बराबर आ जाए 2 में भी। 4 का भाग दोगे तो 18 × 4 = 72, 1 ही बचेगा, 4 × 1 = 4, 4 × 8 = 32, 3 बचेगा, मतलब 4 तो हो नहीं सकता। 7 से भाग दोगे 7 × 2 = 70, 3 बचेगा, 7 × 7 = 7, 6 = 42, 3 बचेगा, 7 × 2 = 14, 7 × 6 = 42, 3 बचेगा, 7 में भी आ जाता, 7 में भी आ जाता। लेकिन आपसे पूछा क्या था, पूछा है ऐसे सबसे बड़ी संभव संख्या, ऐसी सबसे बड़ी संभव संख्या 28 के पार्ट में ही सकती है। ठीक है, मतलब या तो 28 या तो 14 और या तो 7। ठीक है, 28 आपके ऑप्शन में है नहीं, वैसे 28 में आपका उत्तर भी नहीं आएगा, आपका उत्तर किस में आ रहा है, 14। बात कर लेते हैं इस सवाल की। एक साइकिल चालक 2 घंटे और 30 मिनट में 20 मील और 1 घंटे 15 मिनट में 10 मील की यात्रा करता है, औसत चाल। औसत चाल बराबर मैंने आप लोगों को बताया था कुल दूरी बटे कुल समय। अब देखिए, मतलब मैंने क्या बताया था, जो औसत चाल होती है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। वैसे यहां पर इस चीज की जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि देखिए 2 घंटे 30 मिनट में 20 मील और 2 घंटे 30 मिनट को आधा कर दिया 1 घंटे 15 मिनट में 10 मील, मतलब हमें दिख रहा है कि 1 घंटे 15 मिनट में अगर कोई आदमी 10 मील जा रहा है तो 1 घंटे में बट न्यूचुरल है कि वो कितने जाएगा, 1 घंटे 15 मिनट, 15 मिनट के 5 हिस्से बन गए, 2 × 5 = 10, उत्तर कितना है, 8। लेकिन अगर सिस्टम की बात करें तो सिस्टम ये है तो कुल दूरी कितना है, 20 × 10 = 30, 2 घंटे 10 = 30 मिनट, मतलब 2.5, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं 5/2 और धन 1 घंटे 15 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा, 5/4। ठीक है, अब आपको बोल रहा है देखिए इनका एलसीएम कितना, ये हो गया 30 और इनका एलसीएम 2 और 4 = 4 ही आएगा, ये कितना 10 और ये कितना 5, 4 ऊपर चला जाएगा, 30 × 4/15, 15 × 30 = 4 × 8 और यही सवाल का जवाब था। वैसे इस सवाल के लिए इतनी माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं थी, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर डाटा ऐसा दिया गया था कि सवाल को आप तुरंत निकाल सकते थे। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है एक साइकिल सवार और एक जागर एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय करते हैं। जागर साइकिल सवार द्वारा तय की गई की दूरी की 1/3 दूरी को साइकिल सवार द्वारा लिए गए समय के 2 गुने समय में तय करता है। देखिए यहां पर हो गया जॉगर और यहां पर हो गया साइकिल सवार। ठीक है, जब मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं तो डिस्टेंस जॉगर साइकिल सवार द्वारा, जॉगर अगर 3 कर रहा है, सॉरी साइकिल सवार अगर 3 कर रहा है तो जॉगर कितना कर रहा है, 1। ठीक है, जॉगर साइकिल सवार द्वारा 1/3 दूरी को, आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, मामला वही होता, 1 और ये 1/3, मतलब मामला कितना हो जाता, 3 और 1 का। फिर आपको बोल रहा है साइकिल सवार द्वारा लिए गए समय का 2 गुना समय, मतलब टाइम की बात कितनी है, ये अगर टाइम ले रहा है 1 तो ये कितना ले रहा है, ये मामला। अब आपसे पूछ रहा है चाल का अनुपात, तो जो चाल होती है, चाल बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां अगर मैं देखूं, अगर मैं जॉगर की बात करूं तो जॉगर में कितना है, जॉगर में 3/2 और साइकिल सवार में कितना है, साइकिल सवार में मामला 1/2, कुछ यही मामला मुझे दिख रहा है। साइकिल सवार द्वारा लिए गए समय के 2 गुने समय में साइकिल सवार ले रहा है समय 1, तो ये ले रहा है समय 3। ओ हो, एक चीज उल्टी हो गई यहां पर, इसको मैं थोड़ा सा सुधार देता हूं। साइकिल सवार अगर 3 जा रहा है तो जॉगर 1 जा रहा है, ठीक है, यहां पर मामला अलग हो जाएगा, यहां पर मामला कितना हो जाएगा, 1/2 और 3/1। अब देखिए इसका रेशियो निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1/6, ये कितना हो गया, 1/6। यहां सवाल में एक बात आप देखिए, जागर द्वारा तय की गई दूरी साइकिल द्वारा तय की गई दूरी की 1/3 है,
एक तिहाई है मतलब साइकिल अगर तीन जा रही है तो जॉगर कितना जाएगा, एक। जो समय है वो समय है साइकिल सवार का डबल, मतलब साइकिल सवार को अगर एक लग रहा है तो इसको टाइम कितना लग रहा है। तो बात आपसे चाल की पूछी गई, चाल बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब ये कितना हो जाएगा एक बटे दो और इसका कितना हो जाएगा तीन बटे एक। अब आपको करना क्या, त्रिय गुणा एक एक कम एक, तीन दूनी छह और ये आपका है ऑप्शन नंबर तीन। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, ₹5,000 पर एक वर्ष के लिए 4% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना होगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है, अंतर की बात की गई, अंतर की बात क्यों गई है। अगर अर्धवार्षिक की हम बात कर दें तो अर्धवार्षिक वाले मामले में ये जो दर है ये कितनी हो जाएगी, और समय भी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जो टाइम है वो भी कितना हो जाएगा। तो और यहां पर मैंने अंतर के लिए आप लोगों को बताया था कि दो साल के अंतर के लिए होता है पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। पी की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है 5,000, आर की वैल्यू कितनी दी हुई है तो और ये कितना हो जाएगा 100, सीधा सीधा एक दो तो, एक से एक कैंसिल, पांच दूनी दस, दो से दो कैंसिल, उत्तर आ जाएगा। लगाने का एक तरीका और भी है, देखिए इसका तो दो दूनी चार ही होगा क्योंकि वार्षिक की बात है, अर्धवार्षिक में चूंकि दो बार होगा तो दो और दो, और फिर दो का 2% कितना हो जाएगा 0.04, मतलब 4% और 4.04% दोनों के बीच में अंतर कितना है 0.04%। अब इसका कितना है 5,000 × 0.04/100, एक दो एक दो ये हटा दोगे, दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, 5 × 20 ये दशमलव। ठीक है, लेकिन मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं कि अगर कभी भी सवाल में दर और मूलधन है और मामला अंतर का पूछ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा फॉर्मूले में सवाल को रखिए और उसका उत्तर निकाल दीजिए, क्योंकि ये कटने में बहुत आसान रहता है। ठीक है, यहां पर कैलकुलेशन में आप लोग थोड़ा सा गड़बड़ कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल बोल रहा है, अंकिता ने मूल मूल्य पर 10% छूट पर कुछ खिलौने खरीदे, प्रत्येक खिलौने का मूल मूल्य कितना था, ₹50 था, 50 का खिलौना है 10 की छूट पर खरीदा है, उसने ₹450 की कुल बचत की, बचत की मतलब उसे कुल जो छूट मिली है वो ₹450 की मिली है, तो उसने कितने खिलौने खरीदे। अब देखिए एक खिलौने पर जो उसको छूट मिल रही है, एक खिलौने पर जो उसको छूट मिल रही है वो कितनी मिल रही है 50 की कितने परसेंट 10%, ये 10/100 हो जाएगा, एक दो एक दो, मतलब कितने रुपए की मिल रही है 5 रुपए। ठीक है, और जो कुल छूट उस बंदे को मिली है, कुल छूट वो कितनी मिली है ₹450, तो संख्या कितनी हो जाएगी, तो संख्या हो जाएगी 450/5, 5×9=45, 90 और यही आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। सवाल में कुछ था नहीं, मैं इस तरह के सवालों के लिए आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि ऐसे सवालों के लिए कोशिश ये करिए कि आपकी कलम ना चलने पाए, आप केवल सवाल को देख करके, 50 का खिलौना था 10% की छूट पर मिला, मतलब बट नेचुरल है कि छूट है 5 रुपए की, कुल मिलाकर के छूट ₹450 है, इसका मतलब यह है कि एक खिलौने पे 5 तो 450 रुपए कितने पे मिलेगी 90 खिलौने पर। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, एक पुरुष का व्यय उसकी आय का 70% है, आय में 20% और 50% की दो क्रमिक वृद्धियां होती हैं, उसका नया व्यय उसके पिछले व्यय से कितने प्रतिशत अधिक या कम है ताकि उसकी नई बचत पिछली बचत की 2.5 गुनी हो जाए। यहां पर मैं आपको सवाल को दो तरीके से बताता हूं, पहला तरीका तो है बेसिक का, दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं कि अगर प्रतिशत वृद्धि या कमी दे करके प्रतिशत वृद्धि या कमी पूछी जाए तो सवाल को हल करने की आवश्यकता नहीं होती। पहले तो आप इस बात को समझिए कि आय बराबर होता है व्यय धन बचत। अब क्या बोल रहा है, आय का 70% है व्यय, तो आय को हम हमेशा 100 मानते हैं, ये कितनी है 70 और बचत कितनी हो जाएगी 30। अब यहां पर आप देखिए 70 पर, अब क्या बोला, उसकी आय में 20 और 50 की दो क्रमिक वृद्धि, इस पर दो क्रमिक वृद्धियां होती है, मतलब 100 पर एक वृद्धि हो गई 120 की और एक वृद्धि हो गई 125 की, ये बटे 100, ये बटे 100। ठीक है, इस 100 से ये 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल,
ये 25, ये 2, 2 छक्के 12। अब ये 25 छक्का 150, मतलब ये कितना हो गया 150। ठीक है, ये एज इट इज है। अब यहां पर देखिए इस ये कितने गुना हो रहा है, ढाई गुना। तो ढाई गुना हो रहा है तो 30 में अगर मैं ढाई का गुणा करूंगा तो 25 से 75। अब देखिए कमाव कितना रहा है 150, खर्चा कितना कर रहा है 75, मतलब बंदा बचा कितना रहा है, बचा कितना रहा है 75। ठीक है क्या, ठीक है, कुछ ठीक नहीं है, गड़बड़ हो गई। 100 से 100 कैंसिल, 0 पचम 25, 0 0 25, 5 125, 2 छक्के 12, 25 छक्का 150। ठीक है, 30 दूनी 60, ढाई गुनी हो गई बचत, बचत कितनी हो गई 75। कमा अभी भी कितना रहा है 150, 20 और 25, 25। अरे यार एक चीज तो हमने गड़बड़ी कर दी, क्योंकि ऑप्शन में था ही नहीं, 50 की वृद्धि है, मतलब 100 में पहले 20 की वृद्धि हुई फिर 50 की वृद्धि हुई, बटा 100, बटा 100, 100 से 100 कैंसिल, 1 2 1 2, मतलब ये पूरा मामला है 180 का। तो अब ये पूरा कितना बचेगा, तो 5 रुपया। यहां पर देखिए जो वृद्धि है वो कितने की है, 35 की, कितने पर 70 पर, कितना हो जाएगा ये, प्रतिशत निकालना है तो 35 दूनी 70, 50 दूनी 100, मतलब वृद्धि कितने की हो रही है 50% की, ये आपका उत्तर है। ठीक है, ये बेसिक से सवाल लगा हुआ है, सवाल किससे लगा हुआ है, बेसिक से। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा सवाल को मॉडरेट करके, जहां पर प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि की बात जब की जाती है तो उसको सवाल को डाटा में ले जाकर के हम सवाल को सीधे कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं, इस तरीके को भी आगे काम आएगा। देखिए यहां पर मामला कितने का है, यहां पर मामला है 100 बराबर 70 धन। ठीक है, मतलब ये जीरो ये जीरो ये जीरो, मतलब मैं ये कह सकता हूं मामला है 7 धन। अब देखिए 20 और 50 की दो क्रमिक छूट, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि सवाल को ऐसे लगाते हैं, एक दो एक दो, 50 20 70, 70 में से 10 घटेगा तो कितना आ जाएगा 60, मतलब 10 गुणे कितना हो गया ये 60 बराबर। ठीक है, इसको आपको निकालना है तो ये 7x हो जाएगा। अब देखिए ढाई गुणे का मतलब होता है 250%, मतलब वृद्धि कितने की कहलाएगी 150% की वृद्धि, क्योंकि हर चीज का जो मूल मान होता है वो कितना होता है 100, दो गुना हो गया, मतलब एक का दो हो गया, मतलब वृद्धि कितने की हुई एक की हुई, मतलब वृद्धि दो गुना हो गया, मतलब 200%, और 200% का मतलब हुआ दो गुना, और दो गुना हो गया मतलब वृद्धि कितने की हुई है एक की, मतलब 100% की। यहां चीज यही है, ढाई गुना मतलब वृद्धि कितने की होगी डेढ़ गुने की, और डेढ़ गुने का मतलब होता है 150%। अब यहां पर आप इसी को कर दीजिए 150, अब देखिए आपका 7x बराबर ये कितना है 600, और ये कितना है, ये कितना है 450, 600 में से क्या गड़बड़ हो गया, सॉरी 20 50 70, दो क्रमिक वृद्धियां होती हैं 20 50 70, 70 में से कितना गया 600, 600 में से 450 घटेगा तो 150 आएगा, क्या मामला है, आय में 20 और 50 की दो क्रमिक वृद्धियां होती हैं, ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। ठीक है, 20 गुणे 50, 50 20 70, 100 से मामला 180 हो रहा है, अच्छा वृद्धि हो रही है, सॉरी ये 80 होगा। ठीक है, ये 800, 800 माइनस 450 बराबर कितना हो जाएगा 350, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 350 बटे 7, मतलब पूरा मामला कितने का हो जाएगा 50 में। यहां देखिए ये चीज है, मैंने इसमें बट्टा वाला मामला लगा दिया, 20 और 50 की छूट नहीं मिल रही है, 20 और 50 की वृद्धि हो रही है, इसके लिए मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100%। देखिए ये भी वृद्धि प्रतिशत, ये भी वृद्धि, 50 20 70 10 80, 80 में 10 का गुणा मार दिया, ढाई गिनी हो रही है मतलब 150 की वृद्धि, 150 में 3 का गुणा मार दिया घटा दिया 350, 7 का भाग दे दिया 50%। अब दोनों में से जो तरीका आपकी समझ में आया होगा उस तरीके से आप सवाल को हल कर लीजिएगा।
बात करते हैं अगले सवाल की। गीता और राधा के पास रुपयों का अनुपात 7:15 है। गीता और राधा 7:15 है, ठीक है। राधा और शबिता के पास रुपयों का अनुपात 7:16 है। राधा और शबिता 7:15, ठीक है। राधा और सविता के पास, गीता के पास 980 तो सविता के पास। देखिए यहां पर दोनों में कॉमन क्या है, यहां पर भी राधा है, यहां पर भी राधा है। इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। मतलब गीता अनुपाते राधा अनुपाते सविता। अब बराबर करना है तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा, ठीक है। अभी देखिए 7 × 7 = 50, 15 × 7 = 105, 15 × 6 = 90, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है, गीता के पास 980 है, मतलब इसके पास कितने रुपए हैं, 980 रुपए है। कितने का गुणा हो रहा है इसका, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, सविता के पास इसमें भी कितने का गुणा, 20 का, 24 × 48, 10 इसका, 10 इसका, उत्तर हो जाएगा 4,800 रुपए, और यह है ऑप्शन नंबर 3। यहां एक बात याद रखिए, जब कभी भी रेशियो में इस तरह का सवाल आता है तो जो भी कॉमन होता है उसकी वैल्यू को समान करना पड़ता है, और समान करने के दो ही तरीके हैं। पहला तरीका है एलसीएम, जब एक ही तरीका कहलाएगा एलसीएम, मतलब जब दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन हो। 7 और 15 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है तो जहां पर वैल्यू 7 है वहां 15 का गुणा कर देंगे तो वो भी 105 हो जाएगी, और जहां पर वैल्यू 15 है उसमें 7 का गुणा कर देंगे तो वो भी 105 हो जाएगी, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है, एक तेज लोकल ट्रेन 60 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी लोकल ट्रेन से 30 मिनट कम समय लेती है। धीमी लोकल ट्रेन की चाल तेज चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। यहां ध्यान दीजिएगा, 30 मिनट का मतलब होता है 1/2। जब कभी भी ऐसा सवाल आए तो 20 की बात हो रही है, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, 20, 40, 60, 80। अब इसी में लिखिए, देखिए 1/2, 1, और फिर ये कितना हो जाएगा 3/2, और फिर कितना हो जाएगा 1.5, और फिर ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है। आधा 1, 1.5, 2, चाहे इसको आप ऐसे ना करके आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 0.5, 1, 1.5। अब इसका तिर्यक गुणा करना, देखिए 20 से कम 20 नहीं हो रहा है मामला, ये है मामला 40, 1.5, 60, 1, ये है पूरा। मतलब एक ट्रेन 40 किलोमीटर की चाल से चलती है उसको 1.5 घंटे लगते हैं, एक किलोमीटर 60 किलोमीटर की चाल से चलती है और उसको कितने घंटे लगते हैं, 1 घंटे। अब तेज वाले की चाल 60 होगी, धीमी वाले की चाल 40 होगी, 40 वाले को टाइम 1.5 घंटे लगेगा, 60 वाले को टाइम 1 घंटे लगेगा, क्यों, क्योंकि दूरी समान है। ये मामला कहां के लिए है, जब दूरी समान हो, ठीक है। अब देख लीजिए आपको सवाल में पूछा क्या है, धीमी ट्रेन की चाल, धीमी ट्रेन की चाल हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले की, तेज की पूछा होता तो 60 हो गई होती। साक्षी और कोमल मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, कोमल उसी कार्य को 22 दिनों में, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, 3 दिन बाद कार्य को छोड़ दिया, कोमल ने शेष कार्य के लिए पूरा किया, दिनों की कुल संख्या ज्ञात करें जिसमें कार्य पूरा हुआ। पहले तो मैं इसको एक काम करता हूँ, सभी की इफिशियंसी निकाल लेता हूँ। मामला है साक्षी प्लस कोमल का, ये कितने दिन में करती है, 10 दिनों में। कोमल कितने दिनों में करती है, 22 दिनों में, ठीक है। अब देखिए 10 और 22 ये कितना है, इसका एलसीएम आप लोगे तो वर्ग कितना आ जाएगा, 110, 2 × 5 = 2, 11 हम, ठीक है, 5 × 2 = 10, 11 × 10 = 110, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, भाग दोगे 11, इसमें भाग दोगे 5, ठीक है। मतलब साक्षी की जो अकेले की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 6, सभी कुछ निकल चुका है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन साक्षी ने 3 दिन बाद काम को छोड़ दिया, कोमल ने शेष काम को पूरा किया। देखिए कोमल शुरू से लेकर के लास्ट तक काम कर रही है, काम छोड़ के कौन गया है, साक्षी। तो साक्षी क्या हुई, बेवफा हुई, और बेवफा को अलग करो। ऐसा सवाल एक बार और आया था, पहले और बाद, काम खत्म होने के इतने दिन पहले काम छोड़ दिया, काम खत्म होने के इतने दिन बाद काम छोड़ दिया। अब देखिए यहां पर साक्षी ने कितने दिन काम किया है, केवल 3 दिन, मतलब इसने टोटल कितना काम किया है, 18। इसी बेवफा को आप बाहर निकाल दो तो जो शेष काम है ये कितना बचा, 110
माइनस 18 मतलब कितना हो जाएगा ये 92। अब ये पूरा का पूरा 92 काम किया किसने है, कोमल ने, क्योंकि ये शुरू से लेकर के लास्ट तक लगी रही है। तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो 92/5। यही आपके सवाल का जवाब है और ये है आपका ऑप्शन नंबर। ठीक है, सवाल में ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, यहां पर अगर शेष काम की बात की गई होती, शेष काम कितने दिनों में पूरा होता, तो मैं क्या करता, 11 33 घटा देता और फिर मैं कोमल से भाग देता। लेकिन यहां पर सवाल पूछा गया है पूरा काम कितने दिनों में, तो कोमल तो बेचारी शुरू से लेकर के लास्ट तक काम कर रही थी। आप कोमल के काम करने के दिन निकाल लीजिए, आप सामने हो जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है किसी धनराशि से 15% घटाने के बाद शेष फल से पुनः 25% घटाने पर 4000। यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, सवाल में कभी भी अगर ऐसा दिया जाता है 10% घटाया गया, शेष को 10% बढ़ा दिया गया, फिर शेष को 10% घटा दिया गया, पूरा मामला कुछ नहीं है, सीधा सीधा मामला है 10% घटाया, 10% बढ़ाया, 10% घटाया, क्योंकि ये मामला कंटिन्यू रहा। और यहां पर मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि अगर मामला पहले का देकर के बाद का पूछा जाए तो सवाल को सीधे सीधे हल कर लीजिए, और अगर मामला बाद का देकर के पहले का पूछा जाए तो पहले की वैल्यू को आप एक्स मान लीजिए। यहां पर 4335 रुपए उसके पास बच रहे हैं, मतलब पहले मान एक्स था, 15% घटा दिया तो मामला कितना हो गया 85/100, फिर उसने 25 घटा दिया तो मामला कितना हो गया 75/100, और फाइनली वैल्यू कितनी है 4300। ठीक है, 25 75 25 64 100, 17 85 और ये कितना जाएगा 20। ठीक है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4335 गुणे 20 गुणे 4 बटे 17 गुणे, ठीक है, 3 से काट लीजिए, 5 3 8 3 11 4 15, 3 1 3 3 4 12, 3 4 12 3 15, 17 से देंगे कितनी बार जाएगा भाई, 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119, 17 8 136, 8 बचेगा 17 5 85। अब देखिए 20 4 80, 8 का गुणा कर दीजिए तो 8 5 40, 8 8 64 और 4 68, और इस 20 का एक जीरो और, उत्तर कितना जाएगा 6800 रुपए, और यह है आपका ऑप्शन नंबर 4। सवाल में कुछ नहीं है, इस तरह के कई सवाल आप पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल, एक बैंक ब्याज को अर्धवार्षिक संयोजित करके 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है, एक ग्राहक एक वर्ष की 1 जनवरी और 1 जुलाई प्रत्येक को 3200 रुपए जमा करता है, वर्ष के अंत में उसे ब्याज में प्राप्त होने वाली राशि। पहली बात, मामला किसका है, अर्धवार्षिक का, मतलब ये दर कितनी हो जाएगी 5%। देखिए अब इसने जनवरी को, 1 जनवरी को बंदे ने जमा किया कितना 3200 रुपए, फिर 1 जुलाई को बंदे ने जमा किया कितना 3200 रुपए, पैसा उसको कब निकालना है 31। अब देखिए यहां से यहां तक उसका कितनी बार कैलकुलेशन हो जाएगा 2 बार, और यहां से यहां तक उसका कितनी बार कैलकुलेशन हो जाएगा, यही तो कैलकुलेशन है। ठीक है, और दर कितनी दी गई है 5%, मतलब यहां पर तो उसको कितना मिलेगा 5% ही मिलेगा, लेकिन इस जगह पर दो बार के लिए मैंने आपको बताया था, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, यहां भी 5, यहां भी 5, अब इस 5 का 5% और, तो 25 0.25, मतलब इस जगह उसको टोटल मिलेगा 10.25, ये प्रतिशत की बात हो रही है। तो इन दोनों का जो टोटल है वो कितना है 15.5, बस यही आपका सवाल है, क्योंकि डाटा कितना है 3200 रुपए ही है, यहाँ भी 3200 रुपए जमा किए गए हैं, यहाँ पर भी 3200 रुपए ही जमा किए गए हैं, तो ये 3200 रुपए मतलब टोटल जो जमा हुए हैं वो कितना जमा हुए हैं 6400 रुपए, ब्याज कितनी मिल गई है 15.25% किस पर 32 पर। तो देखिए 100% की वैल्यू अगर 3200 है तो 1% की वैल्यू 32 हो जाएगी, 1% बराबर कितना है 32, तो 15.25% बराबर हो जाएगा 15.25 32। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसमें 4 का गुणा कर दूं इस वाले में तो कितना हो जाएगा, 1 और 15 64 और 1 61, 61 गुणे 8, 8 1 8, 8 6 48, 488 रुपये, ये तो ब्याज के मिलेंगे, और अगर आपसे टोटल मिश्रधन पूछा गया तो 6400 उसने जमा किया था, तो ये कितना हो जाएगा 6888। पूछा क्या है इसने, ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली राशि, ऑप्शन नंबर 4।
ठीक है। यहां मैंने क्या किया, देखिए मैं आपको ये बोलता हूं, अगर 15.25, ये 2.5 मुझे दिख रहा है, 4 का अगर मैं गुणा कर दूं तो 25 चौके 100, 15 चौके 60 और 61, इस 32 में से 4 को मैंने अलग कर दिया तो बचा कितना, 8। गुणा करना बहुत आसान हो गया, क्यों, क्योंकि मुझसे 32 का पहाड़ा तो नहीं बनता। हाँ अगर आपसे बनता है तो आप इसको डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन भाई मेरे से नहीं बनता तो मैंने इसको क्या कर लिया है, ब्रेक कर लिया। अगर आपसे भी नहीं बनता तो आप भी इसको ब्रेक करना सीखिए, ठीक है। कैलकुलेशन में जाकर के, प्लेलिस्ट में कैलकुलेशन में जाकर के आप इसको देखिएगा, आपको जो है ये कैलकुलेशन बहुत शानदार तरीके का मिलने का काम हो। बात करते हैं आज के आखिरी सवाल की। सवाल बोल रहा है, एक महिला किसी वस्तु को 950 में खरीदती है, 1150 में बेच देती है, ठीक है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। सबसे लास्ट सवाल बहुत ही इजी देता है, पता नहीं क्यों, क्यों, क्योंकि वो जानता है कि आप आखिरी तक पहुंच नहीं पाते हो, ठीक है। ये हो गया, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे कितना क्रय मूल्य गुणे कितना 100। 0 से 0 कैंसिल, इसको काट लोगे तो ये 19 और ये कितना 2, मतलब पूरा मामला है 400/19 का। काटोगे तो 19 × 2 = 38, 2 बचेगा, 19 × 1 = 19, 1 बचेगा, भाग नहीं जाएगा, 19×95, ठीक है, 21.05% लगभग में पूछा है, उत्तर कितना हो जाएगा 21। दोस्तों इस सवाल के साथ ही हमारा आज का ये पेपर खत्म होता है, ठीक है। भी अच्छी चीजें इसमें देखने को मिली, कुछ नई चीजें भी सामने आई। हर एक पेपर के साथ आप देख रहे हो कि ट्रैक बदल रहा है, और ट्रैक बदलने का यही आपके एग्जाम में भी होने वाला है, क्योंकि अभी जो एग्जाम हो गए उसमें भी ट्रैक ऐसे ही बदलेगा। तो आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते हो कि हम इस टॉपिक को छोड़ दें और इस टॉपिक को पढ़ लें। मुझे आशा ही नहीं, पूरा भरोसा है कि हमारा ये प्रयास आपके लिए न केवल मददगार साबित हो रहा होगा, बल्कि आपके अंदर एक नए आत्मविश्वास को भी जन्म दे रहा होगा। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।